गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, लेसन नंबर 11, द जर्नी ऑफ मशीन्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कॉपर का, आयरन का डेवलपमेंट हुआ था और इनसे एक किसान की, बढ़ई की, सबकी लाइफ मतलब कैसे इजी हो गई थी। उन्होंने अपने अपने औजार बनाने इनसे शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट में हम देखेंगे स्टीम इंजन, भाप का इंजन। आगे किसका आविष्कार हुआ? स्टीम इंजन। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट इन 1769 ब्रॉट रिवॉल्यूशन इन द एक्टिविटीज ऑफ मैन। इन्वेंशन क्या होता है? आविष्कार। भाप के इंजन का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया? जेम्स वॉट के द्वारा। कब किया गया? 1769 में। इसने जो मानव की एक्टिविटीज हैं, मानव के काम हैं, उसमें एक क्रांति ला दी थी। मतलब बहुत बड़ा इसका योगदान रहा। इट वॉज अ की मशीन इन द 18th century। ये 18वीं शताब्दी में की मशीन थी। इन इंग्लैंड ए पावरफुल पंप वॉज यूज टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस। इंग्लैंड में मतलब एक बहुत शक्तिशाली पंप का पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था। स्टीफनसन यूज्ड द स्टीम इंजन टू डेवलप रेलवे इंजन। स्टीफनसन ने किस स्टीम इंजन का? रेलवे इंजन को विकसित करने में यूज किया, इसका प्रयोग किया। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन शिप्स। शिप्स क्या होते हैं? जहाज। ये जहाज में भी प्रयोग में लाए जाते। द पावर ऑफ स्टीम इंजन वॉज ऑल्सो यूज्ड टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन। जो भाप के इंजन की पावर थी उसको अलग अलग प्रकार की मशीनों में भी यूज किया जाता था। आफ्टर सम टाइम्स पेट्रोल एंड डीजल वर डिस्कवर्ड। कुछ समय के बाद क्या हुआ? पेट्रोल और डीजल खोज लिए गई। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कार्स। इससे क्या हुआ? मोटर कार्स, बसेस, इवन डीजल लोकोमोटिव्स, जो अपने आप चलते थे उससे ये कार बसेस चलने लगी। मतलब पेट्रोल से और डीजल से हमें कार में, बसेस में चलाने में सहायता मिली। द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। गुड्स क्या होता है? वस्तुएं। प्रोड्यूसिंग उत्पादन। ऑल्सो अंडरवेंट मैनी चेंजेस। जब वो हम वस्तुओं का उत्पादन करते थे उसमें भी बहुत से चेंज आई। लेट अस लर्न हाउ इट हैपेंड। आओ देखें ये कैसे हुआ। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। उद्योग क्या होते हैं? जहां पे कोई भी वस्तु का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, फिर हम उसका इधर एक देश से दूसरे देश में आयात करते हैं, निर्यात करते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द लेट 18th century। जो औद्योगिक क्रांति थी वो इंग्लैंड में शुरू हुई। कब हुई? 18th century में, 18वीं शताब्दी में। द स्टीम इंजन मेड इट पॉसिबल टू रन बिग मशीन। भाप के इंजन से क्या हुआ? बड़ी बड़ी मशीनें चलने शुरू हो गई, संभव हो गई कि उससे बड़ी मशीनें चल सकें। मशीन्स टुक अप द वर्क ऑफ एनिमल्स एंड मैन। मशीन ने क्या किया? एनिमल्स और मैन का स्थान ले लिया। मतलब जानवरों और आदमियों की जगह मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज नाउ। अब जो वस्तुएं थी वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित की जाने लगी। मतलब वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया। दे वर चीप, वो सस्ती थी, एंड ऑफ गुड क्वालिटी, और अच्छी क्वालिटी की थी। द डिमांड फॉर द गुड्स इंक्रीज्ड। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई, मांग बढ़ गई। दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। इससे क्या हुआ? फैक्ट्री सिस्टम शुरू हो गया, फैक्ट्रियां स्थापित हुई। पीपल फ्रॉम विलेजेस केम टू वर्क इन दिस फैक्ट्रीज एंड बिग टाउन्स ग्रू। अब क्या हुआ? फैक्ट्रियों में काम करने के लिए गांव के लोग आए और इनसे टाउन्स बन गई, मतलब नगर बन गई। द चेंज फ्रॉम हैंड मेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। पहले जो हाथ की चीजें बनती थी उनका मशीन की वस्तुओं में बदलाव, मतलब हाथ की वस्तुओं की जगह पे मशीन की वस्तुओं का बनना क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट देखिए, ए मेजर चेंज नोन एज मास प्रोडक्शन टुक प्लेस ड्यू टू बेटर मशीनरी। अब जो मशीनरी थी, अच्छी मशीनरी थी, उनके काम से क्या हुआ? थोक उत्पादन शुरू हो गया, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं पैदा होने लगी, उत्पादित किए जाने लगी।
Mass production is the name given to the method of producing goods in large quantities at low cost per unit. थोक उत्पादन क्या होता है कि बहुत सी वस्तुओं का निर्माण करना किस पे लो कॉस्ट मतलब छोटी सी कीमत पे छोटे थोड़े पैसों में बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन थोक उत्पादन कहलाते हैं। जैसे थोक विक्रेता होते हैं ना जो एक दुकान से मतलब दूसरी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा माल सप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है थोक उत्पादन। द डेवलपमेंट ऑफ प्री सीजन मशीन टूल्स दैट कुड एक्यूरेटली शेप मेटल पार्ट्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज मेड मास प्रोडक्शन पॉसिबल। थोक उत्पादन किससे संभव हुआ जो हमारी मशीनें थी शुद्ध मशीनों से सेम पार्ट और सेम साइज बनाने शुरू हो गए। मतलब ऐसा नहीं था कि एक पार्ट का हमने कोई साइज बना दिया दूसरे का कोई भी बना देंगे, मतलब एक ही साइज के और शेप के बहुत से हम प्रोडक्शन होने लगा तो उससे क्या हुआ हमारा थोक उत्पादन शुरू हो गया। इन अ मॉडर्न फैक्ट्री ए प्रोडक्ट सच एज ए कार, फैक्ट्रियों में जैसे हम कार बनाते हैं इज असेंबल्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, तो उसमें बहुत से पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक कार में कैसा ही पार्ट है एक दूसरी कार में हम कैसा ही लगा देंगे। ईच पार्ट इज एग्जैक्टली द सेम एज अ पार्ट दैट गोज इनटू द नेक्स्ट कार ऑन द असेंबली लाइन। जो हम एक पार्ट का उत्पादन करते थे एक पार्ट बनाते हैं तो वैसे ही हम दूसरे पार्ट भी बनाते हैं। तो ये क्या था हमारा मास प्रोडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं थोक उत्पादन। फूड फॉर मशीन, फूड क्या होता है भोजन, जैसे हम भोजन खाते हैं तो मशीन को भी भोजन चाहिए तो मशीन का भोजन क्या होता है। बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस्ड वेरियस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां थी वो वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित करने लगी। दे यूज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स टू डू दिस वर्क, वो अपना इस काम को करने के लिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की मशीनें यूज करती। पावर हैज नीडेड टू रन दीज मशीन्स, इन मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए पावर चाहिए। इन द बिगिनिंग स्टीम वाज यूज्ड वाइडली, शुरू में क्या होता था स्टीम क्या होती है भाप, इनको चलाने के लिए भाप का प्रयोग करते थे। वॉटर हैड टू बी बॉइल्ड टू प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम बनाने के लिए भाप बनाने के लिए हम क्या करते हैं वाटर को बॉइल करना होता था उबालना होता था। कोल एंड वुड, कोल क्या होता है तारकोल और वुड क्या होता है लकड़ी, मतलब कोयला और लकड़ी वाज यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालने के लिए यूज में ली जाती थी। दस कोल और वुड वाज द फूड फॉर बिग मशीन, तो इसलिए हाँ इनका भोजन क्या होता था मशीन का कोयला और लकड़ी, क्यों क्योंकि हम इनसे पानी गर्म करते उससे भाप बनती और उन भाप से हमारी मशीन चलती थी तो इसको कोयले को और लकड़ी को मशीनों का भोजन कहते थे। तो आज बच्चों आपको ये पेज रीड करना है, नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।